नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि यदि आप समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, तो जो दबंग व्यक्ति हैं समाज के, वे आपके संपत्ति को हड़पने के इरादे से उस संपत्ति पर झूठा दावा करता है और न्यायालय में आप पर झूठा मुकदमा कर देता है। तो उससे इस झूठा मुकदमा करने के बदले आपको जो आर्थिक क्षति होती है, उससे आप किस धारा के तहत, किस कानून के तहत हर्जाना वसूल सकते हैं, इस कानून की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो ऐसे ढेर सारे लोग समाज में लोभी प्रवृत्ति के हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो आपकी संपत्ति पर गलत नज़र रखते हैं और आपको झूठे मुकदमे में उलझाकर उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और बहुतों का तो इस पर मंसूबा सिद्ध भी हो चुका है, गरीब आदमी से नाजायज़ ढंग से गलत मुकदमा करके वे संपत्ति को हड़प चुके हैं और आगे भी ऐसे व्यक्ति का मंसूबा रहता है और समाज में ऐसे ढेर सारे लोग हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ इस तरह की घटना होती है कि आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए, आपके ज़मीन को हड़पने के लिए समाज के कोई व्यक्ति उस पर अपना गलत दावा करते हैं और उसे अपना हड़पने के लिए न्यायालय में आप पर झूठा मुकदमा कर देते हैं और इस तरह से आपको ढेर दिन तक मुकदमा लड़ना पड़ता है, काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति से आप गलत ढंग से जो मुकदमा में उलझ गए, तो उससे आप अपना हर्जाना कैसे वसूल सकते हैं, इसी बात की मैं आपको जानकारी इस एपिसोड में दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि समाज में जो आप पर झूठा दावा करने वाले व्यक्ति हैं, आप पर झूठा मुकदमा कर दिए हैं और उस ज़मीन का उनके पास सिंगल चीट ऑफ पेपर नहीं है, किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है और वे दूर दूर तक आपसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, आपके खानदान के भी नहीं हैं, झूठा पेपर बनाकर आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और न्यायालय में जब इसका ट्रायल चलता है और न्यायाधीश सारे सबूतों को देखने के बाद, गवाहों से साक्ष्य लेने के बाद जब इस मुकदमा को झूठा पाते हैं और वे अपने जजमेंट में लिखते हैं कि वादी का दावा निराधार है, गलत है, इसलिए इस मुकदमा को खारिज किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब मुकदमा आपके पक्ष में चली जाती है, तो मुकदमा तो आपके पक्ष में चली गई, आपकी संपत्ति बच गई, लेकिन आपको जो ये आर्थिक क्षति हुआ, ढेर दिन तक जो आप मुकदमाबाजी के चक्कर में रहे, तो वैसे दुष्ट व्यक्ति से, वैसे लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति से आप CPC की धारा अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A के तहत सिविल कोर्ट में हर्जाना वसूलने के लिए मुकदमा कर सकते हैं और जितने भी रुपये आपके मुकदमा में खर्च हुए हैं, उसका एक बिल बनाकर आप उस व्यक्ति से अपना सारा हर्जाना आर्थिक क्षति वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यदि आपके साथ इस तरह की घटना घटती है, तो आप इस तरह का दावा न्यायालय में कर सकते हैं। फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और मैं आगे आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक अवश्य करें और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।